सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस कुछ बचा नहीं है, मुझे ये बताइए पप्पू कालानी को 14 महीना हो गए यहाँ पे उल्लासनगर में, या पंचम कालानी भी यहाँ पे है, ओमी कालानी भी है, मनोज लासी भी है, राष्ट्रवादी के और लोग हैं। शहर के लिए क्या किया उसने? शहर के लिए कौन सा विकास किया है? शहर के लिए कौन सा मुद्दा उठाया है? इनकी सत्ता में होने के बाद में भी 2.5 साल में एक कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ बातें करते हैं टीवी पे, बड़ी बड़ी बातें। मेरा तो सबसे पहला ये कहना है कि ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि हमारे शहर को एक टेस्ट ट्यूब आमदार मिला है। उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों के विषय को लेकर अब राजनीति हो रही है, जहां शहर के नेता लगातार मीडिया में आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि मैंने शहर हित के काम किए, तूने क्या किया है। राज्य सरकार की तरफ से शहर की धोखादायक इमारतों के विषय पर जल्द GR आने की बात शहर के आमदार कुमार ऐलानी जी की तरफ से पत्रकारों से बात करते हुए बताई गई थी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए आमदार कुमार ऐलानी जी ने जमकर कालानी परिवार पर भी हमला बोला था। अब ओमी पप्पू कालानी जी की तरफ से शहर के आमदार कुमार ऐलानी को प्रतिक्रिया देते हुए शहर के आमदार को टेस्ट ट्यूब आमदार बताते हुए काफ़ी कुछ कहा। आइए जानते हैं ओमी पप्पू कालानी जी क्या बता रहे हैं। मेरा तो सबसे पहला ये कहना है कि ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि हमारे शहर को एक टेस्ट ट्यूब आमदार मिला है जो खुद के बलबूते पे कभी चुनकर आ नहीं सकता है। और इससे पहले भी जो MLA इलेक्शन था ये तो शिवसेना साथ में थी तब वो चुनकर आया था, अगर वो साथ में नहीं होती थी वो दूर दूर तक उसका चुनने का कोई चांस नहीं होता था। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई उसकी बीवी मीना जो कि खुद जिस वक्त मेयर थी तो उस वक्त भी फडणवीस साहब भी हमारे CM थे, तो उस टाइम पर ये GR तभी क्यों नहीं याद आया जो आज उनको याद आ रहा है। ये समझो जिस वक्त जब मेरी पत्नी जब मेयर बनी, जब हमने डिमांड रखा कि हमको हमारे शहर में ये रूल्स चाहिए और हमको पूरा ड्राफ्ट करके दीजिए। अच्छा, उनको तो समझो 1.25 साल मेयर मिला, या मतलब मीना खुद थी मेयर या कुमार अभी 5 साल MLA है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि ये डिबेट करें कि तुमने क्या काम किया है और हमने वो 1.25 साल में क्या काम किए मेयर रहते हुए। तो ये जो सवाल है उनको करना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक वो बात करते हैं क्रेडिट की, तो मैं ये बताना चाहूँ कि भाई उस टाइम पे तुमने क्यों नहीं किया, जिस वक्त तुम्हारी बीवी जब मेयर थी तभी क्यों नहीं किया। आज सत्ता परिवर्तन हुआ है, ठीक है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा एकनाथ शिंदे साहब का जिन्होंने ये हम लोगों को पॉलिसी अभी लागू करके दे रहे हैं। उनका जो बोलना है कि भाई ड्राफ्ट बन रहा है, GR इशू होना है, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। उनको तो आदत है कि भाई फोटोबाजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ फोटो देखो तो झुक जाते हैं कि भाई मेरा शक्ल आना चाहिए या होर्डिंग लगाने की उसको आदत है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये जो हमारा आमदार है एक टेस्टियों का आमदार है और हमारे शहर का दुर्भाग्य है जो हमको ऐसा आमदार मिला है। देखिए, मेरे पिताजी जितना भी टाइम यहाँ पे प्रेसिडेंट थे या आमदार थे, उन्होंने जो जो काम किया है वो हमको बताने की कोई बात ही नहीं है, वो जग जायज है। वो बच्चे बच्चे से पूछोगे पप्पू कालानी क्या चीज़ है तो उसको पता पड़ेगा कुमार ऐलानी को। और जहाँ तक जो हम जो मेरी पत्नी को 1.25 साल मिला है, मैं ऐसे 10 काम गिना सकूँ जो हमने हमारे शहर के लिए किया है, तुम ऐसे 2 काम गिना के बताओ जब तुम्हारी जब पत्नी जब मेयर थी तभी। और जहाँ तक GR निकलने की बात है, वो तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि अभी GR निकलेगा, कल GR निकलेगा। हर बार जब बिल्डिंग गिरती है और जिस वक्त लोग मरते हैं, आज हमारे शहर में कितने लोग मरे हैं वो कुमार को पता भी नहीं होगा कि कितने लोग मरे हैं, उसका टोटल नंबर उनको पर्सन पता भी नहीं पड़ेगा। और जिस टाइम पे वो खुद डिप्टी मेयर थे, उस टाइम पे ये जो मैक्सिमम जो बिल्डिंग बनी है कि उस टाइम पे ये खुद सत्ता में थे और उसी टाइम की ये बिल्डिंग्स है, और
उससे भी बड़ी बात यह है कि बिल्डर भी ये खुद ही थे। आज जितने भी बिल्डिंग गिर रहे हैं, आप जिनकी बिल्डिंग गिरी है उनसे जाके पूछो, तो कुमार आइलानी वहाँ का बिल्डर है, और आज उनको जब रीडेवलपमेंट पे जाने का है तो वो कोई और नए लोगों को नई पार्टी खड़े करके और उनको उनसे सौदाबाजी कर रहे हैं। मैं आखिरी में हमारे शहर की तरफ से जो लोग मरे हैं बिल्डिंग गिरने की वजह से, उनकी तरफ से जो लोग आज डेंजरस बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपनी जान पता है कि भाई कब भी गिरेगी, उसके बाद भी वो मजबूरी में रह रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से एक हमारे सीएम साहब को एक विनंती करना चाहूँगा। जैसे कुमार आइलानी ने बोला क्रेडिट की बात है, क्रेडिट की उनको आदत होगी लेने की, लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के सबकी तरफ से हमारे सीएम साहब को विनंती करता हूँ कि जो भी जीआर है वो पॉलिटिकली ना देखते हुए हमारे शहर के भले के लिए जितना जल्द से जल्द इशू करेंगे उनकी मेहरबानी होगी। अब देखना होगा कि नेताओं का यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कब तक चलेगा, या केवल शहर के विकास के मुद्दों को साइड कर केवल आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।